हेलो व्यूवर्स, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं माइंडफुल। इस वीडियो में हम आज अपने वॉल को पेंट करेंगे। इसमें जो है मैं एशियन का एक्सटीरियर मल्शन यूज़ कर रहा हूं, क्योंकि एक अल्ट्रा वाइट मल्शन है जिसमें मैं ब्लैक कलर ऐड करके इसको थोड़ा ग्रेइश टोन दूंगा। ग्रेइश टोन करने से पिक्चर क्वालिटी डेफिनेटली इम्प्रूव होती है, कलर्स थोड़े डार्क दिखते हैं, जो आँखों में ग्लेयर पड़ता है वो कम पड़ता है। इसमें जो वीडियोस पीछे प्ले हो रही हैं वो मैंने कलर करने के बाद में रिकॉर्ड करी हैं। इनमें तो इसमें कलर की जो है डार्कनेस और डेप्थ जो है पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो मैंने ये कलर बनाने के लिए इसको तकरीबन 8 से 10 बार जो है ग्रेइश कलर जो है उसको थोड़ा चेंज कर करके मैंने इसको तैयार किया है। उसके बाद थोड़ी जो है मुझे जो बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मैं इसकी निकाल पाया हूँ। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है पेंट करने से। पेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ। जैसे आप अपना प्रोजेक्टर है, आप उसको कहीं पे कितनी भी दूरी पे छत से नीचे आप फिक्स कर लो, जो आपको लगे कि ये बेस्ट स्क्रीन दे रहा है आपको आपकी दीवार पे। तो उसके बाद आपने क्या करना, ऑन करके एक बार इसको ये इसका एज देख लेना है। ये जो एज है इसका वो कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे इसका एज आ रहा है, उस पर ऐसे एक ब्लैक टेप ऐसे लगा देना है। प्रेफरेबली इलेक्ट्रिकल टेप लगाएं या पेपर टेप लगाएं तो बढ़िया रहेगा। तो एज मार्क करने के बाद ही इसको पेंट करें। पेंट करने से पहले थोड़ी चौड़ी लगा लें ऐसे इतनी, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसके बिना करोगे तो इस साइड पे पेंट आ जाता है, वो जो गंदा लगता है बाद में, ठीक है। तो ये आप ऐसे टेप लगा लेना। जब आपका पूरा फिनिश हो जाए उसके बाद क्या करना, आपने इस टेप को उतार देना। उसके बाद एक नई टेप जो कि तकरीबन 1 इंच या 1 इंच से थोड़ी छोटी हो वो लगानी है। ज़्यादा चौड़ी लगाने से वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो थोड़ा अजीब लगता है। अगर आप पतली लगाते हो तो बहुत ही बढ़िया वो लगती है देखने में। इस एक्सटीरियर इमल्शन है एशियन पेंट्स का, तो इसको मैंने वाइट रखा है और इसमें मैंने तकरीबन 30% पानी डाल दिया है। अब इसमें इस एक्सटीरियर इमल्शन है जो अल्ट्रा वाइट है, इसमें मैंने ऑलरेडी पानी डाला हुआ है और इसमें जो है मैंने ब्लैक कलर डाल के इसको ग्रे कलर का बनाया हुआ है। ये हमारा स्क्रीन है जो कि 1.5 इंच का स्क्रीन है, जो कि वॉल ही है, इस पे मैंने पेंट किया हुआ है ग्रे कलर का। तो इसका जो लेफ्ट साइड है उसको मैं वाइट कलर कर दूंगा, तो जो राइट कलर है, राइट साइड है, उसको मैं ग्रे ही रखूंगा। तो इसको मैंने ऑलरेडी हाफ में यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल टेप है, इसको मैं सेंटर में लगा के इसका हाफ कर। पेंट के लिए आपको 2 लीटर वाइट जो है एशियन का एक्सटीरियर मल्शन चाहिए, एक रोलर चाहिए, उसके बाद देखेंगे ब्लैक कलर चाहिए और एक सैंड पेपर और एक डस्टर चाहिए। जब कलर में इसकी इम्प्रूवमेंट आती है या नहीं आती है देखेंगे। तो इसमें मैंने अभी एक कोट लगा दिया है, वाइट कोट इस पे एक लग गया है, तो इसको सूखने देते हैं। उसके बाद शायद इसमें दूसरा कोट भी मुझे करना पड़ेगा। दूसरा कोट करने के बाद सूख जाएगा, फिर से इस पे स्वाइडिंग करेंगे तो देखेंगे। राइट साइड पे वाइट कलर कर दिया है, इसमें 2 कोट मैंने कर दिए हैं और तकरीबन इसको 12 घंटे हो गए हैं। अब ये टोटली ड्राई हो चुका है,
जो राइट साइड में ग्रे कलर है उसको मैंने इसमें जो है एशियन पेंट का एस अल्ट्रा वाइट 1 लीटर का पैकेट था, डब्बा था, उसमें मैंने तकरीबन 10 to 15 ml के आसपास जो है मैंने ब्लैक कलर इसमें मिक्स किया था। जो डिफरेंट वीडियोज़ हैं विद डिफरेंट कलर्स हैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ, आप इसमें खुद देख लीजिए कि ग्रे कलर करने से हमें इसमें कोई इम्प्रूवमेंट दिखती है या नहीं दिखती है। डेफिनेटली जो वाइट साइड है उस पर थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा है, पर जो ग्रे साइड है उस पर थोड़ी जो कंट्रास्ट ज़्यादा अच्छा है, डेप्थ है कलर्स में थोड़ी सी ज़्यादा है। लेफ्ट साइड पे थोड़ा ग्लेयर है, वाइट साइड पे जो है थोड़ा ग्लेयर है, जो कि आपकी आँखों को जो है थोड़ा अनॉय करेगा अगर आप लंबे समय तक इसको प्रोजेक्टर पर देखते हैं। जो ब्लैक है ब्लैक है ब्लैक, या तो बैकग्राउंड हो या कोई भी चीज़ ब्लैक में है, वो ग्रे ग्रे स्क्रीन की साइड पे थोड़ी सी वो अच्छी दिखती है, वाइट साइड पे वो थोड़ी ग्रेइश दिखती है, पूरी जो है जेट ब्लैक नहीं दिखती। मेरे हिसाब से जो है इसमें आपको टोटल वाइट स्क्रीन पे तो नहीं देखना चाहिए इसको। इसकी जो काफ़ी एडवांटेजेस हैं ग्रे कलर करने की, एक तो जो ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ है उसका आपको डिमार्केशन बहुत ही अच्छा दिखेगा, बैकग्राउंड अच्छे डार्क ब्लैक दिखेंगे आपको, तो इससे आपका जो है इमेज में कंट्रास्ट ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। जो भी डार्क कलर्स होंगे वो जो है आपको थोड़े डीप दिखेंगे। इसमें आप ब्राइट नहीं बोल सकते, बट हाँ जो रेड है वो थोड़ा और भी रेड दिखेगा, ब्लैक है और भी ब्लैक दिखेगा, जो ब्राउन है वो और भी ब्लैक दिखेगा, तो ऐसा रहेगा। लाइट कलर्स जो हैं वो थोड़े से आपको ग्रे साइड पे थोड़े कम ब्राइटनेस में दिखेंगे। अमेज़ोन पे जो है ALR या और कहीं मार्केट में आपको ALR स्क्रीन्स मिल जाएंगी, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो, पर मेरे केस में मुझे जो है मेरे प्रोजेक्टर से जो अच्छा आउटपुट मुझे सिर्फ ग्रे पेंट करने से ही मिल रहा है, तो मुझे उनकी जो अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही।
ALR जो स्क्रीन है उसमें आप डे टाइम में अगर एम्बियंट लाइट में फुल लाइट में देखोगे तो शायद उसमें जो है आपको थोड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस मिल सकता है, बट टोटल डार्कनेस या एटलीस्ट 3 वॉट तक के बल्ब के साथ आप इस पेंटेड वॉल पे भी बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देख पाओ। यार वीडियो के एंड में अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा आप अपने जो है वॉल को पेंट करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा है, तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।